इस टैलेंट का पता कैसे चला आपको? एक दिन जो अचानक एक ऊपर वाले ने देन मुझे दिया, मुझे महसूस हुआ, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी और दूसरे दिन जब स्कूल गया तो स्कूल में एक लड़की को देखकर अचानक बोला, ए शोरा चंद दरवाजा खोल दे। तो ये तो मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन और वो लड़की ने भी नहीं सुना, मेरे भी ध्यान में, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे, बोले यार ये तो अमिताभ बच्चन वाट तो आवाज रहे अमिताभ बच्चन। तो उसमें एक मेरा दोस्त था जो मेरे पीछे पड़ गया, नहीं वो अमित जी जैसे लगा था उस दिन, तो एक छोटा टेप रिकॉर्डर लेके आया, मोनो वाला छोटा रहता ना, लाल बत्ती वाला। तो वो देव साहब की आवाज में मुझे सवाल किया, और अमित जी आजकल क्या चल रहा है? मैंने, हाँ भैया चल रहा है, शूटिंग वोटिंग चल रही है। वो जब मैंने दोबारा जब उसको सुना तो मैं हैरान हो गया कि अरे एकदम अमित जी जैसा लग रहा है। इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था, वगैरह वगैरह। तो वो आशा भोसले जी एक बार हमारा शो देखने आई थी, बोले दादा और अमिताभ बच्चन से आवाज चांगला है। तो बोले अमिताभ बच्चन तो बोले सब छोड़ के मैंने इतने इतने अच्छे आवाज निकली, इनको दादा कौन के क्यों अच्छा लगे? बोले दादा नहीं मतलब, दादा मतलब सचिन दा। तो बोले वो मुझे गाना तू फिर सुना। तो मैंने जब जैसे आशा भोसले कह रही है आपको डायरेक्ट पहली मुलाकात में मुझे गाना सुनाओ, मैं तो कांपने लगा। नहीं नहीं बोले सुना मुझे, उस दिन बहुत अच्छा गाया था तुमने। तो मैंने आंखें बंद कर ली, भगवान का नाम लिया और मैंने वो गाना गाया अमर प्रेम का। डोली में बिछाई के कहा ये मोरे सजना के द्वार, ओ बीते दिन खुशियों के चार, होला ये मोरे सजना के द्वार, ओ डोली में बिछाई के कहार। पूरा गाना खत्म करके मैंने जब आशा जी को देखा तो बाकी सारे लोग ऐसे डर के खड़े थे। तो मैंने सोचा मैंने कुछ गोल मारा बहुत बड़ा, कुछ खराब गाया मैंने, लेकिन देखा कि आशा जी अपनी कुर्सी पे ऐसे बैठी और जैसे गाना खत्म हुआ ना मुझे ऐसे देख रहे और आंखों से उनके आंसू बह रहे। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले नहीं नहीं मुझे लगा दादा सामने खड़े होके गा रहे। अब इतनी बड़ी आर्टिस्ट से इतना कॉम्प्लीमेंट मिलना तो मेरे लिए बहुत बड़ी। और दूसरे दिन ही पंचम दा क्या मुझे ले गई और पंचम दा मुझे बैंकॉक ले गए, वहां मुझे उन्होंने जब सुना और 86 में फर्स्ट ब्रेक प्लेबैक सिंगिंग का उन्होंने। आप सबकी आवाजें बिल्कुल आसानी से निकाल लेते, असरानी साहब को कैसे पकड़ा? आ रहे हैं आपके सामने अंग्रेजों के जमाने के जेलर, तो फिर हो जाते लेफ्ट राइट वगैरह वगैरह। और असरानी जी के साथ इतने शोज किए और इतना उनको मतलब जितना ऑडियंस एंजॉय करती थी उससे ज्यादा हम एंजॉय करते थे। और वो ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट भी करते थे, कैसे कभी गाने भी गाते थे। अब जैसे अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर को आशा भोसले की आवाज में, तो ऑडियंस भी बोले और ऑर्केस्ट्रा को वो करने का। और नॉर्मली टाइमिंग कैसे दिया जाता है, 1 2 3 4 ऐसे गाना शुरू। तो अब आप सुनेंगे पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया यू नो व्हाट विल हैपन। और ऑर्केस्ट्रा कर 1 और म्यूजिशियन रुके 2 3 ये क्या टाइमिंग, 4 गाना होता ही नहीं था। आगे सारे कॉन्गो से म्यूजिशियन आगे गिर जाता था, गिटारिस्ट गिटार फेंक के भाग जाता था। और उसके साथ मैंने एक जो बहुत ज्यादा एंजॉय किया है अमित जी और असरानी के अलावा, वो है अजीत साहब को। तुम्हें गलत फहमी हुई है प्रभाकर, मैं भलाई से देशद्रोही की रोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूं? मैं तो इनका दोस्त हूं, बल्कि इनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूं। हर चीज के दुश्मन है आप, दोस्ती के नकाब में छुपे हुए सबसे खतरनाक दुश्मन। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब रघु को आपने जान से मरवा दिया। मैंने क्या तुम्हें मेरे इन हाथों पर खून लगा नजर आता है? आपके हाथों पर नहीं बल्कि मुझे आपके मुंह पर खून लगा नजर आता है। मैं तुम्हारा अंकल हूं बेटे। हो नहीं थे, आप ये न समझना कि एक रघु के मर जाने से आपके खिलाफ सारी गवाहियां जाती रही। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा, तब आपसे बात करूंगा। गुड बाय। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं? जी हाँ,
ठीक उसी तरह से जिस तरह से देश का बच्चा बच्चा अनाज के बिना भूख से ताप रहा है। और ये नीच काम करना बहुत अच्छी तरह जानते, लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीन दयाल कि एक दिन यही नंगा भूखापन जवानी के जोश में आएगा, उस दिन दिल में बदले की आग होगी, जो आप जैसे सेठों के पेट को फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे फाड़ जैसे भेड़ियों को चीर दे सकदारों को, तब इंसान तो क्या भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करना तो हमें भी बहुत आती है प्रभाकर, लेकिन शायद तुम जानते नहीं कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। मानता हूं कि लोग आपको एक शेर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीन दयाल कि जब शेर आदमखोर बनता है तो सरकार उसे गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मारती है, और इस बार शेर के शिकार का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। गुड बाय। बहुत बोलता है। Wish him all the best. Yeah. दूध पीजिए, ये बहुत आपको ताकत देगा। आज नाग पंचमी है क्या? फरस नाग का दूध क्यों पिला रहा हूँ? यह आपके इस जॉनी रॉस शो में जॉनी आलर में एक बिल्ली भी घूम रही है, उसके नाम से हम दूध पी लेते हैं।